दोस्तों नमस्कार, मैं आपका एम एस चौहान फेविज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ आपको कि ये एक हमारा गारमेंट है, इस गारमेंट का यहाँ पे कलर निकल चुका है, इस बाजू का कलर इसके ऊपर चढ़ चुका है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये से कलर निकल चुका है, ये कलर पूरा फैल चुका है, ये ब्लू येलो के ऊपर आ गया है पूरे में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम एसिड वाश करेंगे, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF, और ये HF हमने डाला हुआ है इसके अंदर, ये HF हमने इसमें डाला हुआ है, तो ये HF इसके अंदर डाल दिया हमने। और ये हाइपो, हमारा ये हाइपो हमने इसके अंदर लिया हुआ है, तो 10 ग्राम HF था, 10 ग्राम से भी कम था, और ये है आपका 25 ग्राम के आसपास, ये हाइपो है, यह हाइपो डाल दिया इसके अंदर। तो ये डालने के बाद इसमें स्मेल काफ़ी गंदी आने लगी अभी डालते के साथ ही, तो ये सिंथेटिक कपड़ा है, कलर कपड़े को वैसे ही डाल सकते हैं लेकिन सिंथेटिक कपड़े को हम डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये देखो, मैं इसी हिस्से को डिप कर रहा हूँ, सिर्फ इस वाले हिस्से को, ये ग्लव्स मैंने इसलिए पहन रखे हैं कि हार्मफुल होता है, मैं तो कर सकता था लेकिन आपको एहतियात रखने की ज़रूरत है। तो दोस्तों ये इसमें डाल दिया है, ये देखो दोस्तों डालते के साथ ही निकल गया है, क्योंकि ये कपड़े के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, कपड़ा अगर हल्का है तो जल्दी निकल जाएगा, कपड़ा अगर भारी है, मोटा है या ये देखिए दोस्तों बिल्कुल क्लियर हो चुका है, ये देखो ये लगा हुआ था यहाँ पे, बिल्कुल क्लियर हो चुका है। बाकी ये जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है ये इसका अस्तर है, ये अस्तर है, ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है, ये स्टेन जितने लगे हुए थे यहाँ पे, इस साइड में नहीं लगे थे क्योंकि ये एक ही साइड में लगा हुआ था, इस साइड में नहीं लगा हुआ था, ये बिल्कुल क्लियर हो चुका। अब हम इसको पहले सादा पानी में खंगा लेंगे और उसके बाद सोडा और कोई भी सर्फ या डिटर्जेंट कोई भी यूज़ करेंगे, तो इसको हम वॉशिंग के लिए छोड़ देते हैं अभी। तो कहने का मतलब है कि ये हमारा स्टेन निकल चुका है, सिंथेटिक कपड़े पे ही आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, कई बार तो वो सेकंडों में निकल जाता है, कपड़े के नेचर के हिसाब से कई बार इसमें टाइम लगता है, ये ज़रूर नहीं है कि वो एक दो मिनट में निकल जाए, बहुत से फैब्रिक ऐसे होते हैं जिनमें आधा आधा घंटा भी लग जाता है, वैसे 5-7 मिनट में टोटल क्लियर हो ही जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो दोस्तों ये छोटी सी वीडियो थी, वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, मिलते हैं दोस्तों नए विषय के ऊपर, नमस्कार दोस्तों।